वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग यहाँ पे T20 कैरियर मोड के एक और एपिसोड में आ चुके हैं। आज से हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 की सीरीज, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया टूर किया है यहाँ पे इंडिया ने, तो यहाँ पे पहली बार हम ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे खेलने जा रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ। वैसे हमने BPL तो खेला हुआ है, तो हमें पहली बॉल डालते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला T20 की पहली बॉल जो कि डॉट जाती, और यहाँ पे हम लोग टॉस हार गए थे और इनने जो है बॉलिंग लेने का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बॉलिंग हमको भी लेनी चाहिए अगर हम टॉस जीतते। पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पहली बॉल तो यहाँ पे डॉट बॉल जा चुकी है। दूसरी बॉल यहाँ पे डालते हुए उस पर बहुत ही अच्छा मार दिया है, गैप में बॉल जाती काफी तेज जाती है, 4 रन मिल जाएंगे। बस एक और प्यारा सा शॉट, एक और बाउंड्री आती हुई सेम साइड में, इस वो भी उसी ओवर में, और यहाँ पे गलत शॉट चलाते हुए कट करना था, प्लेस की है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और बाउंड्री आएगी, 3 बाउंड्रियां मार चुके हैं, इसी के साथ हम लोग 15 रन पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे वॉकबॉल किया था और सीधा कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया वहाँ पे, अपने लेफ्ट साइड में डाइव मार के। बहुत ही कठिन कैच होता है देखा जाए तो, पर काफ़ी अच्छी टेक्निक, काफ़ी अच्छा ट्रिक जो भी था, बाउंसर पे आउट कर दिया यहाँ पे हमको। और यहाँ पे 9 बॉल में 15 रन बना के पवेलियन लौटते, 3 बाउंड्री मारी हैं बस, 58 रन। देखते हैं इंडिया यहाँ पे मैच जीता पाती नहीं। यहाँ पे ईशान किशन आए हैं बैटिंग करने के लिए, 45 का एवरेज है, 27 है, डक पे आउट हो चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहला T20 मैच जीत लिया है, 2 और बचे हमको, दोनों के दोनों जीतने पड़ेंगे तभी सीरीज जीत पाएगी। चलो चलते हैं सीधे दूसरे T20 मैच की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। और यहाँ पे आज हम फेस कैम इसलिए नहीं कर रहे, मेरी तबियत नहीं सही है, इसलिए हम फेस कैम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग इस बार करने का फैसला किया, और 172 या 174 का टारगेट, लेट्स सी कितने का टारगेट दिया है। फिलहाल लोग यहाँ पे बैटिंग करने आ चुके हैं, पिछली मैच में 15 ही रन बनाए थे, 172 का टारगेट है, 172 का टारगेट है। यहाँ पे पहली बॉल आती हुई सेकेंड T20 मैच की, और आते ही चौका भाई, पहली ही बॉल पे इनिंग की चौका पड़ते हुए कहा है कि इस बार हम तेज खेलेंगे। दूसरी बॉल और भाई उठ गई है, हत्ते पे लग के बॉल हवा में और सीधा फील्डर के कैच, इसी के साथ 4 रन बना के हम लोग पवेलियन को लौटना पड़ेगा, रिव्यू लीग नहीं वेस्ट करेंगे। 2 बॉल में 4 रन, 1 बाउंड्री, देखते हैं अगला मैच हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं। ये मैच आए तो हम लोग पूरे ही आ गए, पर यहाँ पे इंडिया ने इसको 8 विकेटों से मैच को जिता दिया है। तो चलते हैं सीधे तीसरी ओवर आएगी तो, और इसको भी जीतते हैं जल्दी से फटाक से, जिससे कि हम लोग टूर्नामेंट जीत जाए। तो यहाँ पे उन्होंने हेड कॉल कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग टॉस भी जीत चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे बॉलिंग लेने का फैसला करेंगे, पहले बैटिंग नहीं लेंगे, टारगेट लेंगे पहले बॉलिंग करते हैं, हम लोग मैच ज़्यादा जीत जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे आखिरी T20 मैच की बॉल, इवान इस बार पहली बॉल डालेंगे, और बहुत ही अच्छा पर रिजल्ट सेम तो नहीं, 2 रन जरूर आ जाएंगे पर। और यहाँ पे 2 रन कंप्लीट करते हुए हम लोग, और यहाँ पे एक अच्छा सा मिड विकेट तक खेल दिया है शॉट, जो कि 4 रन जाते हुए बहुत ही फुर्ती से। और इस बार ये मेरा फेवरेट शॉट, इस पे तो बाउंड्री आती तो मजा आता है देखने में। अगली बॉल उठा दिया है कवर्स के ऊपर से, सोचा था उठाने की पर कोई बात नहीं, ग्राउंडेड खेल दिया, 4 रन तो मिल गए ना, वैसे ही मिलने थे। इस बार कवर्स के ऊपर से उठा दिया है, 4 रन आएंगे भाई, हमें तो पहले लग रहा था चक्का जाएगा पर नहीं गया, कोई बात नहीं। और इस बार प्रेस कर दिया, इसी के साथ पावर प्ले हो चुका है समाप्त। और यहाँ पे स्ट्रेट उठा दिया है 6 रनों के लिए, काफी अच्छा शॉट, सटीक चक्का मारते हुए। और अगली बॉल, और इस बार एक और छक्का कवर्स की तरफ, कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे 13 रन बनाने जीतने के लिए बस, हमें 12 ही रन अपनी सेंचुरी के लिए चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि मतलब सारे हम ही होना। यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ खेल रहे हैं, की तरफ 4 रन आ जाएंगे, और इसके हम लोग 95 पे पहुंच चुके हैं। अगली बॉल वाइट, अब बॉल का कनेक्शन ही नहीं हुआ, बॉल वहीं पे झूमती रह गई। उसकी अगली बॉल देखते हैं क्या डालते हैं। ओके, खराब शॉट है, फील्डर जो तो नहीं जा रहा, कीपर पीछे पीछे बॉल के भागा, जिसकी वजह से हम लोग 2 रन ले लेगा। इसी 2 रन के साथ हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं 97 पे।
अगली बहुत सांगवन की रही, क्या करते हैं यहाँ पे। इससे टनी मिड विकेट की तरफ मार के 2 रन ले लेके, और इसी 2 रन के साथ यहाँ पे जो है हम 99 पे पहुंचे हैं। लगता है आज अपनी T20 की इंटरनेशनल T20 दूसरी सेंचुरी मारी रह गए। 1 रन बनाना है सेंचुरी के, 2 रन जीतेगा। यहाँ पे ले लिया 1 रन और इसी के साथ हमारी यहाँ पे सेंचुरी हो चुकी है कंप्लीट। T20 की सेकंड सेंचुरी है, तो अच्छी बात है, सेंचुरी मारना चाहिए। अब 1 रन और जीतने के चाहिए। टाइम में 12 चौके 2 छक्कों के साथ 208 का स्ट्राइक रेट है, बढ़िया। 1 रन और जीतने के चाहिए और टाइमिंग तो लगी नहीं, लेग बाई है ये, 1 रन पर ले लिया। इसी के साथ इंडिया जो तीसरा T20 मैच भी जीत चुकी है और इसी के साथ सीरीज भी जीत चुकी है। मैन ऑफ द मैच भी हम ही को मिलेगा, फिलहाल 100 रन बनाए तो मिलना ही चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ट्रॉफी जल्दी से लेते हुए, कंट्रोलर भाई रुक गया है और यहाँ पे ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेशन करते हुए हम लोग अपनी सीरीज जीत चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।